हर साल की तरह इस साल के महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमटीवी इंडिया के महिला दिवस पर आयोजित हो रहे इस खास अवार्ड शो अंडर 50 ग्लोबल इंस्पायरिंग वीमेन अवार्ड 2023 में आपका स्वागत है। आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि महिलाओं में क्षमता भरपूर है और वो अपने काम में इस दौरान सफल भी हो रही है। देश भर में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने कम साधन के साथ बिजनेस में कामयाबी के परचम लहराए हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप व्यक्तित्व और कृतित्व से आधी आबादी के लिए प्रेरणा स्रोत अपने आप को बनाया है। इन महिलाओं ने असफलताओं को मात देकर खुद एक मुकाम हासिल किया है और अपने कार्यों से आधी आबादी में बदलाव की बयार लेकर आ रही हैं। ये महिलाएं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं। आज महिलाएं समाज के अलग क्षेत्र में अपना योगदान देती हुई नजर आ रही हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं का सम्मान अंडर 50 ग्लोबल इंस्पायरिंग वीमेन अवार्ड 2023 के तहत करना तय किया था, जिसमें कई कैटेगरी निर्धारित की गई थी। कुछ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, वीमेन ऑफ द ईयर, वीमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, वीमेन आइकन ऑफ द ईयर, वीमेन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर आदि शामिल हैं। तो इस अवार्ड शो की शुरुआत करते हैं और उन नामों की घोषणा करते हैं जिन्हें आज अंडर 50 ग्लोबल इंस्पायरिंग वीमेन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में पहला नाम है कोलकाता की डॉक्टर मौसमी कार बनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर एंड टैरोट कार्ड रीडर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मौसमी आईटी क्षेत्र में कार्यरत थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोग उन्हें एक टैरो कार्ड रीडर, एक आध्यात्मिक कोच, प्राणिक हीलर, एस्ट्रो डाइस रीडर, क्रिस्टल और एंजल हीलिंग थेरेपिस्ट के रूप में जानते हैं। डॉक्टर मौसमी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर मौसमी 4 वर्षों से इन सभी तौर तरीकों का सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी, लंदन, कनाडा, दुबई में भी आप अपनी सेवाएं आम जन को दे रही हैं। केरला की रंजीना नजीर को वुमेन एंटरप्रेन्योर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। रंजीना एक सफल उद्यमी है। केरल में इनकी खुद की एक ट्रेडशिप है और इसके अलावा रंजीना एक अंतर्राष्ट्रीय लीड बिजनेस एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ ही रंजीना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑथेंटिकेशन सेट रजिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर रही हैं। रंजीना ऑक्सफेम संगठन के साथ स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रही हैं। आपका मकसद आने वाले युवाओं को उनके रचनात्मक विचारों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया अवसर देना है। आसाम की शिखा बनर्जी को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। शिखा एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और शिखा श्रीज हेयर ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो की संस्थापक है और लगभग 8 वर्षों से अपनी सेवाएं आप लगातार इस क्षेत्र में देती हुई आ रही हैं। शिखा के ब्यूटी सैलून में ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, हाइड्रा फेशियल, एडवांस फेशियल, हेयर एक्सटेंशन, आईलेस एक्सटेंशन, स्मूथनिंग कलर्स, एडवांस हेयर ट्रीटमेंट आदि सेवाएं शामिल हैं। पंजाब की डाइटिशियन हरप्रीत को मेडिकल एंड हेल्थ केयर के किताब से सम्मानित किया जाता है। डाइटिशियन हरप्रीत एक पुरस्कार विजेता आहार विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आपकी सेवाएं 18 देशों के जो लोग हैं वो ले चुके हैं और 5,000 से अधिक लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ आप दे चुकी हैं। आप लोगों को आहार प्रबंधन पर जागरूक करने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की वंदना खन्ना को योगा थेरेपिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। वंदना खन्ना को योग चिकित्सा और शिक्षा में 9 साल का अनुभव है। आपने हठ, अष्टांग, विन्यासा और अयंगर जैसी कई योग शैलियों की खोज की है। एक चिकित्सक के रूप में आपने थायराइड, रीढ़ से संबंधित मुद्दे, नींद विकार, पाचन विकार और सामान्य स्वास्थ्य के प्रबंधन में सफलता प्राप्त की है। आपने आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए कई योग शिविर भी आयोजित किए हैं। आपने अष्टांग और विन्यासा शैलियों में 500 घंटे का योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है। नई दिल्ली की पायल गोटी जावा को टैरोट रीडर एंड ऑथर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पायल जावा के पास 10 साल का शैक्षणिक अनुभव है और आप रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और आपने 100 से अधिक ग्राहकों को अपनी थेरेपी से ठीक किया है। आपको कई छात्रों और प्रशिक्षकों को प्रेरित और निर्देशित करने के लिए 3 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।
मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर आधारित साइक्लॉक्स पत्रिका में आपके लेख प्रकाशित होते रहे। गांधीनगर की अंजना राठौड़ को ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमेन 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अंजना ने 20 साल पहले हॉस्टल वार्डन के रूप में काम करना शुरू किया था और आज वो 160 लड़कियों की 24 घंटे देखभाल करती हैं। अंजना 3 बच्चों की सिंगल मदर है और 2 सरकारी नौकरी को छोड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र की सोनिया बरोलिया को फिटनेस कोच एंड जिम्नास्टिक के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सोनिया कौशिक जिम्नास्टिक एकेडमी की संस्थापक हैं और जिम्नास्टिक और फिटनेस के लिए सोनिया बरोलिया 2 साल से जिम्नास्टिक के क्षेत्र में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही हैं। आप समय समय पर बच्चों को अपनी अकादमी के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे ले जा रही हैं। बच्चों ने अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ कई मेडल भी आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए हासिल किए हैं। कौशाक जिम्नास्टिक अकादमी ने 2 साल के अंदर 55 पदक जीते हैं। दिल्ली की श्रीजा सन्याल को यंग रिसर्चर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। श्रीजा सन्याल एक स्वतंत्र शोधकर्ता है जो लिंग और समाज के क्षेत्र में शोध कर रही हैं। वर्तमान में रोनिन इंस्टीट्यूट फॉर इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप न्यूजर्सी यूएसए से जुड़ी हुई हैं और आपको विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशनों के साथ लैंगिक मुद्दों और सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए विश्वविद्यालयों से कई प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तेलंगाना की डॉक्टर थेजो कुमारी अमुडाला को इंस्पायरिंग वुमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर थेजो कुमारी अमुडाला मिसेस यूनिवर्स विनर 2022 बिजनेस एंटरप्रेन्योर सोशल एक्टिविस्ट ग्लोबल पीस एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर थेजो को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में 23 वर्षों का अनुभव है। कॉलेज के दिनों से आप समाज सेवा भी कर रही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में गाँव में जागरूकता पैदा करने का भी काम आप कर रही हैं। मिसेज यूनिवर्स विनर 2022 भी आप रह चुकी हैं। रायपुर की वंशिता दवे को यंगेस्ट थायराइड कोच एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वंशिता एक पेशेवर टैरो कार्ड रीडर और टैरो कोच, अंग विशेषज्ञ, एंजल कार्ड रीडर, ओरेकल कार्ड रीडर, मिरर थेरेपी गाइड हीलर हैं। वंशिता को फॉर्चून टेलिंग में 3 से अधिक साल का अनुभव है। अब तक वंशिता विभिन्न क्षेत्रों से अपने 100 से अधिक ग्राहकों को मदद करने में सक्षम हुई है। वंशिता राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की बरखा रानी को ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बरखा पुष्पदेव स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की डायरेक्टर हैं। ये सेंटर स्पीच डिसऑर्डर और हियरिंग लॉस से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जाना जाता है। निदेशक बरखा रानी कुर्रे विकलांग लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपना योगदान दे रही हैं और इस केंद्र ने कई मुफ्त ऑडियोमेट्री और स्पीच थेरेपी शिविर आयोजित किए हैं। मानवता और राष्ट्र के लिए उनकी परोपकारी सेवा वास्तव में प्रशंसनीय और सम्मानीय है। तमिलनाडु की एस संध्या को यंगेस्ट योगा ट्रेनर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। एस संध्या बी एमएससी योग और प्राकृतिक चिकित्सा तमिलनाडु में श्री शंकरी इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड रिसर्च सेंटर नामक एक संस्थान चला रही हैं। 10 साल की उम्र से ही आप योगा अभ्यास कर रही हैं और आपको योग प्रशिक्षक के रूप में 8 साल का अनुभव है। बचपन से ही आपने योग प्रतियोगिताओं में कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिताब जीते हैं। आप 2010 में सिंगापुर में आयोजित राष्ट्रमंडल योग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता हैं। आपने योग में 10 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अलावा आपको वर्ष 2015 में तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर के रोसैया से बोधि धर्म पुरस्कार भी मिला है। पुणे की मनप्रीत कौर को मल्टी टैलेंटेड वुमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। ग्रेजुएशन के ठीक बाद आप मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में शामिल हो गई और 1 साल के छोटे से कार्यकाल के बाद आपने वो भूमिका छोड़ दी। मनप्रीत ने हमेशा उड़ने का सपना देखा और इसी उड़ान के सपने को देखते हुए आपने वर्ष 2014 में एक कैबिन क्रू के रूप में इंडिगो में आप शामिल हुए। 3 साल के बाद आपने उस भूमिका को भी छोड़ दिया और खुद को टीचिंग में एक्सप्लोर किया।
अब आप कलाकार, प्रकृति प्रेमी, फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। मनप्रीत को अपने कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। पंजाब की याशिका अग्रवाल को केक आर्टिस्ट एंड बेकिंग ट्रेनर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। याशिका एक होम मेकर और एक बेकिंग ट्रेनर ट्यूटर है। बेकिंग का प्रशिक्षण देने से 10-12 साल पहले उनके करियर की शुरुआत हुई। याशिका को अब तक राष्ट्रीय स्तर पर एक बेकर के रूप में 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। याशिका ने 5,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है और एक ट्रेनर होने के अलावा आप एक बेकर भी हैं। सिर्फ केक ही नहीं बल्कि आप कस्टमाइज चॉकलेट बुके भी तैयार कर रही हैं। नॉन्सिस को यंग टैलेंट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। एम्ब्रिन नॉक्सिंस को हाल ही में अपनी पढ़ाई में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार मिला है जो नॉन्गस्टोइन स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। और इसके साथ ही डेटा एनालिटिक इन आर एंड पाइथन पर वर्क बेस्ड लर्निंग के रूप में 5 महीने का आपको अनुभव है। एम्ब्रिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। नोएडा की सूची अग्रवाल को टैरोट रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप एक मानसिक माध्यम और एक स्वचालित लेखक हैं। सूची को एक प्रमाणित और सहज टैरो रीडर, अंकशास्त्री और एक ज्योतिषी भी हैं। आपने 11 अन्य अटकल विधियों में महारत हासिल की है और अब तक सूची ने 1,00,000 से अधिक लोगों का मार्गदर्शन किया है और 30,000 से अधिक लोगों को एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। सूची ने टैरो रीडर के रूप में कई पुरस्कार जीते हैं और पिछले 2 वर्षों में सफलतापूर्वक 13 ओरेकल डेक बनाए और लॉन्च की। उत्तर प्रदेश की नेहा सराह को बेस्ट वुमेन ऑथर की किताब से सम्मानित किया जाता है। सराह एक पुरस्कार विजेता प्रकाशित कवयित्री हैं और सह लेखक के रूप में 20 से अधिक संकलनों को आपने प्रकाशित किया है। आपकी कविता पुस्तक अंडर नेट द स्केयर्स हाल ही में प्रकाशित हुई थी। आपको कविता और लेखन समुदाय में आपके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। केरल की रूपा श्री निवासन को न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। रूपा न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं और आप केरल के पलक्कड़ जिले में रूपम फिट एंड फैब वेलफेयर सेंटर चला रही हैं। रूपा ने बहुत से लोगों को अपना आहार ठीक से लेने के लिए निर्देशित किया है और दुनिया भर में आपके 500 से अधिक उपभोक्ता हैं। गुरुग्राम की पिया सिंह को इंस्पायरिंग वुमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पिया एक 6 वर्षीय किशोरी की माँ है। पिया ने अपनी मॉम प्रेन्योर यात्रा पूरी तरीके से अज्ञात क्षेत्र में शुरू की। आपने 16 से भी अधिक वर्षों के अनुभव में SBI, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, BNP परिवास के साथ काम किया है। आप 2 विश्व रिकॉर्ड का भी हिस्सा रही हैं और बिजनेस स्टार्टअप और स्केलअप पर 4 किताबें आपने लिखी हैं। चेन्नई की गोमती पेरुमल को वुमेन अचीवर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। गोमती पेरुमल एग्नोशियन टेक्नोलॉजी टू टैलेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक है। गोमती को 16 वर्षों से टैलेंट मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, डिलीवरी मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप, अकाउंट मैनेजमेंट, स्किल मैपिंग इंडस्ट्री का मजबूत अनुभव। ग्वालियर की विनू महिंद्रिता को टैरोट कार्ड रीडर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। विनू पिछले 25 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपने 18 साल की उम्र में दिल्ली में एक कार्यालय सहायक के रूप में काम करना शुरू किया था। आपके करियर ने कई मोड़ लिए लेकिन अंत में आपने टैरोट कार्ड रीड करना शुरू कर दिया। पिछले 5 वर्षों से टैरो कार्ड का अभ्यास कर रही हैं। आपने कई महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद की है। इसके अलावा आपने न्यूमरोलॉजी के विभिन्न तरीके सीखे हैं और एक पेशेवर न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर रही हैं। उड़ीसा की डॉक्टर शुभाश्री प्रवेशन को इमर्जिंग राइटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बचपन से ही आपको किताबें पढ़ने और कविताएं, लघु कथाएं लिखने का बहुत शौक था। शुभाश्री ने नजरिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। शुभाश्री ने एक सह लेखक के रूप में कई पुस्तकों और पत्रिकाओं में भी लिखा है। शुभाश्री को रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में पहले ही इंडिया स्टार आइकन अचीवर्स अवार्ड,
ओपन टैलेंट अवार्ड्स, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके। नई दिल्ली की हर्षप्रीत कौर को यंग मल्टी टैलेंटेड गर्ल के खिताब से सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक की पढ़ाई कर रही हर्षप्रीत ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। हर्षप्रीत ने एक लेखक, कलाकार और ब्लॉगर के रूप में खुद को तैयार किया है और एक कंटेंट राइटर के रूप में आपने कई मीडिया वेबसाइटों के लिए काम किया है। आप 4 एंथोलॉजी किताबों का हिस्सा रही हैं। आपको हस्तनिर्मित उपहार और सजावटी सामान बनाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हैदराबाद की मिसेस अंजनी कुमारी को सोशल एक्टिविस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अंजनी 20 साल से तेलंगाना में कानूनी मदद देने के लिए काम कर रही हैं। आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिक्षा, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न जागरूकता कार्यक्रम के लिए काम किया है। आप हेल्प फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में काम कर रही हैं और इसके लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको दिए गए। मुंबई की राखी शाह को वुमेन आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। राखी शाह पिछले 30 वर्षों से एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और अब तक यूके, मुंबई, दिल्ली, भारत आदि में 75 प्रतिष्ठित प्रदर्शनियां आप कर चुकी हैं। राखी की पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों और दुनिया के राष्ट्रपतियों के पास उपहार के तौर पर भेजी गई है। राखी ने अस्पतालों, कैंसर केंद्रों आदि को 1068 पेंटिंग दान की है। राखी को प्रतिष्ठित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। दिल्ली की तानिया को टैरोट रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। तानिया को ज्योतिष, टैरोट रीडिंग और अंग ज्योतिष में 4 साल का अनुभव है। तानिया एक फेस रीडर, ड्रीम एनालिस्ट और काउंसलर है। तानिया ने भारत में 3000 से अधिक ग्राहकों और विदेश से लगभग 1000 ग्राहकों की मदद की है। चेन्नई की आरती को इमर्जिंग बिजनेसेस वीमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आपने ड्रग डिजाइनिंग का कोर्स किया और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पेपर भी पब्लिश किए हैं। आरती ने कोविड काल में अखिल भारतीय स्तर पर विशाल जनसमूह की सेवा की थी। पुणे की नम्रता जोशी को वुमेन इंटीरियर डिजाइनर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। नम्रता एंजे डेको आर्ट फिल्म की संस्थापक है। आपने मनोविज्ञान में स्नातक किया है। नम्रता स्वतंत्र रूप से एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपना खुद का व्यवसाय संभाल रही हैं। नम्रता ने लगभग 40 प्रोजेक्ट अब तक पूरे किए हैं। नागपुर, पुणे, नासिक में भी आपके कार्यालय हैं। नम्रता आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में फिलहाल काम करती हैं। उड़ीसा की ज्योति रामैया को इमर्जिंग राइटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। ज्योति रामैया 23 साल की एक युवा महिला है और आपने अपना MCA पूरा करने के बाद लगभग 4 साल तक एक प्रसिद्ध संस्थान ओडिशा कंप्यूटर अकादमी में काम किया। आपने प्रतिलिपि और स्टोरी मिरर जैसी कुछ प्रसिद्ध वेबसाइटों में अपना लेखन भी किया है, जिसके लिए आपको कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। इस बार आपको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में नामांकित किया गया है। इन सब के साथ आपने हाल ही में 2 पुस्तकों का सहलेखन भी किया जो अमेज़न और अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बेची जाती है। महाराष्ट्र की RTS को वुमेन माइंड कोच एंड काउंसलर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप पिछले 20 वर्षों से सभी आयु वर्ग के लिए पेरेंटिंग और राइट माइंडसेट के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। आप यूनिक पाथवे और वृंदावन किड्स प्री स्कूल एंड डे केयर की संस्थापक हैं। इसके साथ ही आप अपना ऑटिज्म ट्रेनिंग सेंटर भी चला रही हैं। आपने खुद को अकादमिक परामर्श, उपचार और माइंड कोच में एक महिला उद्यमी के रूप में खुद को सशक्त बनाकर गृहिणियों को उनकी प्रतिभा पर काम करने के लिए सशक्त बनाना भी शुरू किया है। नागपुर की पूजा कोंडावार को यंग बिजनेस वुमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पूजा भक्ति PB क्रिएशन की संस्थापक है। आपको कॉर्पोरेट कंपनियों और शिक्षा क्षेत्रों में 4 से 5 साल का अनुभव है। आपके संस्थान PB क्रिएशंस नागपुर में शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ उपहार समाधानों में सूचीबद्ध किया गया है। PB नागपुर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गिफ्टिंग ब्रांड है और आप फेम टाइम मैगजीन के फरवरी संस्करण 2023 का हिस्सा भी रही हैं। मुंबई की पायल अनीश को सोशल एंटरप्रेन्योर के खिताब से सम्मानित किया जाता है।
पायल के पास 15 साल का शैक्षणिक अनुभव है और आपने एमफिल थीसिस के दौरान एक पुस्तक और 3 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित भी किए हैं। आपने विभिन्न क्षेत्रों में कई सामाजिक कार्यक्रम और अभियान चलाए हैं। एमफिल अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में आपको स्वर्ण पदक भी मिला है। पहला की एडवोकेट लिशा जया नारायणन को लीगल लेडी के खिताब से सम्मानित किया जाता है। एडवोकेट लिशा जयनारायणन अधिवक्ता, लेखक, कवि, अनुवादक, परामर्शदाता और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। आपने कविता की 3 पुस्तकें लिखी है, उनमें से एक शंकराचार्य के प्रसिद्ध शिवानंद लाहारी का अनुवाद है। आप भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती रही हैं। आपको बेहतरीन कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। देहरादून की नंदिका शर्मा को यंग टैरोट कार्ड रीडर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पेशे से आप एक टैरोट कार्ड रीडर और सर्टिफाइड न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। आप 3 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर विश्वप्रभा दासगुप्ता को सोशल एक्टिविस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर विश्वप्रभा दासगुप्ता असम पूर्वोत्तर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गैर शिक्षण कर्मचारी प्रशासनिक नौकरी के पद पर कार्यरत हैं। आप एनजीओ के साथ वकालत भी करती हैं और 2018 से नमो फाउंडेशन दिल्ली में भी सदस्य के रूप में अच्छे शासन के लिए आप काम कर रही हैं। आप गरीब लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी प्रयास। केरला की शिवा कृतना मनोज को इमर्जिंग सिंगिंग स्टार के खिताब से सम्मानित किया जाता है। शिवा को बचपन से ही गायन में रुचि है और 14 वर्ष की छोटी आयु में ही राष्ट्रीय स्तर पर गायन प्रतियोगिता में बहुत पुरस्कार मिले हैं। शिवा बिना किसी ब्रेक के 1 घंटे तक गाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक है। मध्य प्रदेश की ज्योति कामले को क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप वर्तमान में MIT यूनिवर्सिटी पनवेल मुंबई में सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान के रूप में काम कर रही हैं और आपको 4 सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुति पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 3 इंटरनेशनल जर्नल और 1 नेशनल जर्नल है। ज्योति ने कई आत्म केंद्रित और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर CRI कार्यक्रम, वार्ता, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन भी किया है।